हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत गजब वीडियो होने वाली है, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। मैथ की आज नेक्स्ट क्लास है। जैसा कि आप लोगों ने कल क्लास ली उसमें मजा आया कि नहीं, तो आज की क्लास में और मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक। चलिए, आज का पहला मोटिवेशन लाइन है हमारे लिए जो क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी है, क्या है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो क्या कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है जो इंतजार करने वाले बैठे हैं आपकी तलाश में, ठीक है। तो आपको कोशिश करने वालों को छोड़ना नहीं है, इंतजार करने वालों को फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आज की क्लास आप लोगों के लिए क्या है। चलिए, बहुत गजब क्लास होने वाली है, क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा क्लास लास्ट तक देखना। कुछ क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। चलिए चलिए, तो देखो आज की क्लास है, आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक से लेके 21 तक सभी मतलब संख्याओं को, मतलब कौन सी संख्या किससे काटेगी, हमने आपको रूल बता दिया। आज बात करेंगे 7 11 13 का रूल, 7 11 13 का रूल। बहुत अच्छी क्लास होगी, क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। 7 11 13 का रूल आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा, और जब तक सिखाता रहूंगा जब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है, आप क्लास लास्ट तक देखना, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए भैया, 7 11 13 का रूल कहता क्या है। तो 7 11 13 का रूल कहता है, मान लो कोई संख्या आप लोगों को दे दी, मैंने दे दी 136 135, ठीक है, यह संख्या दे दी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या ये संख्या 7 11 13 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है, विभाज्य है कि नहीं, ठीक है, ये वाली संख्या 7 11 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बताना होगा ये संख्या 7 11 13 से कटेगी कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, क्या आप इस तरीके से करेंगे, लिख लिया मैंने 136 135, उसके बाद पहले हम चलो स्टार्ट हो गए, पहले 7 से काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम 11 से काट लेंगे, उसके बाद हम 13 से काट लेंगे। आज आपको ये नहीं करना है। अब देख लो, 7 11 13 का तीनों रूल मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है। पता होगा आप कुछ लोगों को, पता भी होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए है, ठीक है। तो चलिए, तो रूल देखो क्या कहता है, रूल तो आप लोगों ने ये बता दिया। अब देखो रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल हमारा कह रहा है संख्याओं को तीन तीन में पेयर बनाना है, तीन तीन में पेयर बनाना। अब आप कहेंगे सर, अगर मान लो अभी तो 6 अंकों की है, 7 अंकों की हुई तो क्या करेंगे, 8 अंकों की हुई तो क्या करेंगे, या फिर अभी 6 अंकों की है, 4 अंकों की हुई, या फिर 3 अंकों की हुई, या फिर मान लो 5 अंकों की हुई तो क्या करें, वो भी बताऊंगा, तसल्ली रखो, तुम टेंशन मत लो, हर चीज समझाएंगे। तीन तीन के पेयर बना लेना, जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या घटा दे। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हमारे पास 136, तो 136 में 135 घटा दो, कितना बचा हमारे पास 100। क्या एक हमारी संख्या ऐसी, एक को क्या हमारे 7 काट देगा, जल्दी से बताओ, एक संख्या को हमारा 11 काट देगा, एक संख्या को हमारा 13 काट देगा, तो भैया कोई सा भी नहीं काटेगा, क्योंकि एक जो शेष बच रहा है कोई नहीं काटेगा। चलो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं काटेगा, चलो भैया चेक कर लेते हैं क्यों नहीं कटेगा, तो काटो भैया 7 से, ये चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, काटने के लिए। आप ये ना सोचना कि जब आप यही बता रहे हो तो इस तरीके क्यों बताए, ये मैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो 7 1 7 तो कितने बच्चे भाई साहब, 7 6 13 6 66 हो गए, 7 8 56 99 63 63 हो गए बच्चे, कितने हमारे पास 3 शेष, उसके बाद हमने यहां से एक को उतारा लिया, जब एक का उतारा लिया तो 7 5 35 नहीं, 7 6 28 बचे कितने 3, अब 3 का उतारा 7 6 28 फिर से हो गए, 7 6 28 अब कितने बचे हमारे पास, फिर 3 और 7 उतारा ले लिया, ठीक है, 28 3 कैसे बचेंगे, सॉरी वही मैं कहूँ कट कैसे गया, ठीक है, सॉरी चलिए ठीक है, 33 हो गए, फिर 7 6 28 अब कितने बचे 28, 5 बचे ना, 5 अब हमने 5 का उतारा लिया, कटेंगे 7 से 5 तो 7 5 35 7 6 42 7 7 49 हो जाएगा, अभी भी हमारे पास 6 6 बच रहा है, तो नहीं कटेगा 7 से, तो नहीं कटा। चलो अब देख लो 11 से काट लो, 7 से तो नहीं कटा, 11 से काट लो, तो हमने जब 11 से काटा तो 11 1 11 हो गया, सॉरी यहाँ पे तो 11 1 11 हो गया बच्चे, 2 6 11 2 22 हो गया बच्चे हमारे पास, 4 फिर 1 का उतारा लिया तो 11 3 33 हो गया, 33 हो गया बच्चे हमारे पास कितने 8, फिर 3 का उतारा 1177 बचे हमारे पास कितने, कितने बचे 5 6 6 बचे, फिर 5 का उतारा ले लिया, फिर 11 5 55 अब हमारे पास 10 बचे,
तो ये भी नहीं कटेगा, इसी तरीके से 13 से भी नहीं कटेगा। समझ गए, समझ गए। अभी और आगे चलते हैं, चलो देखो, देखते रहना, मजा आएगा। मान लो एक संख्या ले ली हमने 144, 345, कोई सी संख्या ले लो, और लो 113 और है। अब हमने ले ली 3 अंकों से, वो 6 अंकों से ज्यादा, कुल मिला के काम है हमारा समझाना, 6 अंकों से ज्यादा ले ली। अब बताओ 3-3 के पैर बनाना है, अब क्या करोगे, बनाना फिर से भी हमें 3 अंकों के पैर, तो 3-3 का बना लो, 3 ये 3 और उसके बाद ये, तो 2 ही हो रहा है, अब तो गड़बड़ हो रहा मामला। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे 2 ही संख्या, तो क्या दिक्कत है, 3 का पैर बनाना, आगे 0 बना लो, 3-3 के पैर बन गए। अब लेकिन ये 3 पैर बन गए, अब किसको किससे घटाएं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा किसको किससे घटाएं। तो देखो 3-3 के कितने पैर हैं, पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, तो एक पैर छोड़ के दूसरा पैर उसका साथी होता है, तो पहला के बाद तीसरा पैर इसका साथी, अगर मान लो चौथा पैर यहाँ पे हो जाता तो ये इसका साथी, फिर चौथा के बाद पांचवा इसका साथी हो जाता, ठीक है। कुल मिला के ओड और इवन, तो ओड को जोड़ लो और इधर इवन को जोड़ लो, ठीक है। तो ओड मतलब होता है विषम, ये 3 अंक है तो विषम, इवन ये 4 अंक है तो मतलब ये सम, ठीक है, तरीका आप लोग को आना चाहिए। तो भैया ओड को अलग जोड़ लो, इवन को अलग जोड़ लो, फिर जो जोड़ा बने बस 2 पेयर में आ जाएगा, फिर हमें घटा देना। तो भैया हमारा ये 1 और 3 मतलब ओड, 1 और 3, 1 में कितना है 0, 14, 3 में कितना है 513, जोड़ लो इनको, 4, 3, 7, 1, 1, 2 और 5, 0, 5, ये तो 527 हो गया, किसका पहला और तीसरा का, दूसरा और चौथा, तो चौथा तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो दूसरा ही है ना, तो दूसरा कितना हमारे पास 434, 434, ये 2 पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए, बस बड़े वाले पेयर से छोटा पेयर घटा दो, तो कितना आया हमारे पास 3, 7 में से 4 गए 3, यहाँ पे बचे कितने 2, 2 में यहाँ पे हासिल है 12, 12 में से 3 गए 9, ठीक है, यहाँ पे बचे 4, 4, 193 आया। अब जो 193 आया बस इसी का खेल है, 193 बस, जो संख्या बाद में लास्ट में बचती है 3 अंकों की, इसी का खेल है। अब बस इससे करा लो भाग जिससे कराना, ये देखो 7 से कटेगी, 7, 2, 9, 14, 5, 7, 7, 49 नहीं, 7 से नहीं कट रही, ठीक है, तो 7 से हमारी नहीं कटेगी, 7 से हमारी नहीं कटेगी। चलो 11 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो फटाफट, देखो 11, तो 11 एकम 11 बचे कितने 8, 3 नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। 13 चेक कर लो, 13 एकम 13 6, 13 3 एकम 13 4 52, 13 5 65, ये 13 से भी नहीं कटेगी। कुल मिला के ये संख्या किसी से नहीं कट रही, ना 11 से कट रही ना 13 से कट रही, ठीक है, समझ गए। चलो 7, 11, 13 का रूल समझ गए, 3-3 के पेयर बनाना। मान लो संख्या 2 आपको 4 अंकों में दे दी गई, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं सब चीज दिखाई देगी, 4 अंकों में दे दीजिए, पूछ लो आप लोगों से, मान लो दे दिया 138, 5, 4 अंकों की दे दीजिए। अब क्या करोगे, अब कैसे 3-3 का पेयर, फिर भी 3-3 का पेयर बनाना, क्या हमेशा इधर राइट हैंड से पेयर बनाना, तो पहला पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, लेकिन ये अंक एक ही है, 3-3 के पेयर बनाना, तो क्या दिक्कत है 3-3 के पेयर बनाने के लिए, आगे 2 0 बढ़ा दो। जब 2 पेयर होते हैं पहला पेयर से दूसरा पेयर घटा देते हैं, जो बड़ा है उसको ऊपर उससे घटा देते हैं, ठीक है, तो पहला पेयर और दूसरा पेयर, तो पहला बड़ा पेयर कौन सा है 385, उससे घटा देंगे कितने 001, तो कितना बचा हमारे पास 4, 8, 384। अब देख लो 384 7 से कट रहा है, 7 × 35 3 नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से तो नहीं कटेगा, 11 से काट लो, 11 से काट लो, चलो 11, 11 3 33, 5 बच रहा 4, 11 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, चलिए अब हम किससे काट लेते हैं 13 से काट रहे हैं, 13 × 26 33 होते 13 × 26, 6 और 2 8, यहाँ पे कितना बचा 12, 84, 6 × 7 13, 13 × 8 113, 117 नहीं कटेगा, 13 × 10 108, कुल मिला के ना तो 13 से कट रहा ना तो 11 से कट रहा है, ना 13 ना 11 ना 7 किसी से भी नहीं कट रहा, ठीक है। ये मैंने छोटा बताया आप लोगों से, देखो पूछा किस तरीके से जाएगा, देख लेना किस तरीके से पूछा जाएगा, लिखा होगा 154 172 548 373 337, लो अब काटो, अब काटो जो तरीका जो भाग विधि से काटते थे काटो, इस तरीके से काटोगे तो भैया काटते रह जाओगे, इस तरीके से काटोगे 7 से तो काटते रह जाओगे, देखो कब तक चलोगे, क्या किया हमने 7, 2, 9, 14, देखता क्या क्या करते रहोगे, 7, 2, 9, 14 काटते रहोगे,
ठीक है। अभी देखो कहां तक पहुंचते हैं हम लोग, पूरा इसी से भर जाएगा, पूरा इसी से भर जाएगा बोर्ड। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचे 14, 154 तक कट गया। अब एक का उतार लिया, भाग का बिंदी 7 का, तो 7 दूनी 14, फिर 3, फिर 2 का, 7 चौक 28, बचे 4, फिर 5 का, 7 छंगा 42, सॉरी 42, बचे 3, अब 4 का, 7 चौक 28, अब बचे कितने 6, अब लेको 8 का उतारा, 7 अट्ठे 63, 63 लो 5 बचे, अब 3 का उतारा, फिर 49 बचे कितने 4 लो, अब फिर 3 का उतारा, 7 छंगा 42 लो, फिर 1 अब 7 का उतारा, तो 7 दूनी 14 लो, अब बचे जाके 3, अब पता लगा कटेगा नहीं। अब इतना जाके लंबा करना है, लंबा नहीं करना है। अब देखो क्या इसमें तरीका, बस एक ही लगाना है तरीका, देखो क्या लगाना है, ये सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है, करने की जरूरत नहीं। क्या करना है देखो, पेयर बना लो दोस्त, क्या करना है पेयर बना लो, तो पेयर बनाओगे यहां से, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ये तो चार पेयर बन गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये चार पेयर बन गए, तो चार पेयर को कैसे एक दूसरे से घटाएं, तो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, तो पहला तीसरा जोड़ लो, दूसरा चौथा जोड़ लो, दो पेयर हो जाएंगे, फिर एक दूसरे से घटाएंगे, तो पहला पेयर हमारे पास 154 है, तीसरा पेयर हमारे पास 548 है, यहाँ पे देखो दूसरा पेयर हमारे पास का 172 है, और चौथा पेयर का हमारे पास 337 है। चलो तो जोड़ लो, 8 4 12 की 2 हंसे लगे 1, 5 1 6 4 10 की 0 हंसे लगे 1, 5 2 7, ये 702 हो गया, ये कितना 729, 729 और 73 10 हंसे लगे 1, 3 2 5 509, तो 702 में से 509 घटा दो, 509 घटा दो, कितने बचे 9 3 12, यहाँ पे 9 बचे 9, भाई यहाँ से ली ढाई 10 हो गए, यहाँ से ली फिर यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे 9 बचे 9 हो गए, ठीक है, यहाँ पे बचे कितने 6, 6 में से 5 गए 1, 193। अब 193 जो आ गए ना हमारे पास, 193 बस इसी में सभी का गुणा, भाग गुणा जो भी करना है सो कर दो, ठीक है, जो 193 आया, 193 में जिसका गुणा भाग करना है कर, बस छोटा हो गया, छोटा हो गया, बस हम लोग आप समझ कर दो 7 से, तो 7 दूनी 14 कितना बचा 5, 3 7 सत्ते 49 कितना बचा, 7 सत्ते 49 कितना बचा 9 4 13 4 से, तो कुल मिला के 7 से नहीं जाएगा, वहां पे भी देखो 7 से बन 7 से का ब्याज, ठीक है 4 से आया, कुल मिला के नहीं कटेगा, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं ताकि और अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ जाए। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो मैंने अभी 7 11 13 का रूल, एक रूल और बता दूंगा 11 का जो बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, तो बताइए 7 11 13 का रूल हमने बताया सेम ही है, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, अब लिखा हमारे 521 443 434 1 564 874 1 ठीक है 659 832 1 23 78 96 5, तो कितने पेयर है, अगर पेयर के हिसाब से हमें चलना होगा, किसके हिसाब से, पेयर के हिसाब से, तो देखो कितने पेयर है, क्या होगा, चलो देखो कितने पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, और ये एक तो पांच ही है, देखो 11 का रूल एक और तरीका सीख लो, 11 का रूल देखो, 11 का रूल, 11 का रूल, जब भी आपको कोई संख्या दे दी, मान लो 100, मान लो कोई भी संख्या दे दी गई आप लोगों को, ये तो मान लो कोई संख्या दे दी गई 123, 134, 173, कोई भी संख्या, 11 का रूल कहता है पहली संख्या एक संख्या छोड़ के, ये संख्या आपस में जोड़ लो, उसके बाद ये संख्या आपस में जोड़ लो, ठीक है, जोड़ने के बाद जो आया वो एक दूसरे से घटा दो, तो हमने जोड़ा पहला और तीसरा कितना हुआ 3 1 4 4 3 7, देखो 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 और 3 ये 11, यहां पे देखो कितना 2 2 1 3 2 1 3 4 3 7 7 3 सब वो 7 7 14, ये आ गए 14, तो घटा दो भैया कितने बचे हैं शेष 3,
और 11 के रूल में शेष कितना बनना चाहिए, या तो जीरो शेष बचे या तो 11 शेष बचे, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे ये संख्या हमारे पास कितनी है, तो देखो एक संख्या छोड़ के ये जोड़ लो, तो हमने जोड़ा 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 1 10, पहला आ गया 10, ये वाला जोड़ लो एक छोड़ के वाला, 2 4 2 6, 6 4 10, तो 10 या तो जीरो बचे या 11, तो जीरो बचे हम लोग ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य है, तो पहली संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। पूछा क्या है, तो विभाज्य है, चलो पहली संख्या विभाज्य है, चलो दूसरी इधर देख लो, तो 5 4 7 1 तो कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 7 16, 1 17, 17 आ गए। उसके बाद ये वाले जोड़ो 6 8 6 14, 14 6 वो 14 4 18, तो 18, तो यहाँ पे भाई साहब कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, ये वाली संख्या देखो 9 6 15, 15 और 3, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 आ गई। ये वाली संख्या देखो 5 8 5 13, 13 और 2 15, तो घटाओ यहाँ पे, यहाँ पे 4 शेष आ गए, 4 तो नहीं कटेगी। यहाँ पे देखो 7 2 9, 9 और 9 18, 18 5 23 आ गया, चलो 23। इधर देख लो 3 8 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 यहाँ पे 6 शेष बच रहा है, तो नहीं कटेगा, या तो 0 शेष बचे या तो 11 शेष बचे, तभी संख्या 11 से कटेगी। चलो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया कि दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए चलो देखो, संख्या पूछी, संख्या 931 4 के 8025 में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। तो बताओ यहाँ पे k का मान क्या रखें ताकि संख्या 11 से विभाज्य, तो 11 का रूल हमने क्या बताया था, एक संख्या एक छोड़ के आपको बताना है, तो एक संख्या एक छोड़ के आप लोगों को इनमें से ऐड कर लेना। तो भैया पहली संख्या ये लो, ठीक है, उसके बाद इनको इनको ऐड करना है। चलो तो ऐड कर लो, कितना हो गया हमारे पास, 9 प्लस 1 प्लस के प्लस प्लस के बाद क्या है, 9 1 प्लस के प्लस 0 प्लस 5। दूसरा हमारा क्या है, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। चलो तो जोड़ लो, 9 और 1 कितना होगा, 10, 10 और 0 10 5 15, 15 प्लस का k, ये हो गया 15 प्लस k, यहाँ पे कितना, 4 3 7, 4 3 7 7 8 15, 15 2 17, यहाँ पे 17 आया, ठीक है, यहाँ पे 17 आया। अब एक चीज बताओ, 17 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, है ना, ऐसे 9 10 5 15, 9 1 10, ठीक है, यहाँ पे कितना, 3 4 8 2, चलो ठीक ठीक है। अब k का मान कितना रखें ताकि 17 घटाएं, k का मान कितना रखें ताकि 17 घटाएं, या तो 0 आ जाए या तो फिर हमारा कितना आ जाए, या तो 11 आ जाए। तो k का मान कितना रखें जो कि 17 घटाने पर या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए, तो हम k का मान 15, k का मान प्लस अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 17 में से 17 घटाएंगे बराबर में 0 आएगा आएगा। तो भैया k का मान हम क्या, k का मान अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या है, 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 में से 17 घटाएंगे तो 0, तो 11 का रूल क्या कहता है, या तो संख्या में 0 आए या तो फिर हमारा 11 आए, ठीक है, या तो 0 आए या तो 11 आए, समझ गए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या यदि 9 अंकों की संख्या इतनी इतनी से 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा। देखो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम क्या नाम रूल से भी कर सकते हैं, तो रूल हमारा क्या कह रहा है, संख्या हमारी 9 की क्या है, संख्या हमारी 9 अंकों की क्या है, तो देखो 9 अंकों की जो हमारी संख्या है क्या, तो हमारी संख्या देखो क्या है, 2 5 9 8 7 6 P 0 5, ये संख्या है। तो हमें 11 का रूल आप लोगों को पता ही है जो हमने बताया, चलो एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ठीक है, उसके बाद दो पेन ले लेते हैं ताकि डाउट नहीं हुआ, उसके बाद क्या करना है, 5 8 6 0 इनको ऐड करना है। तो भैया ऐड करो, तो हमने जहां पे ऐड किया पहले क्या किया, 2 प्लस के 9 प्लस के 7 प्लस का p, ठीक है, प्लस का 0। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है,
पांच प्लस की आठ और प्लस के छह प्लस का ओ सॉरी पी के बाद पांच था ना ये, क्यों भाई पी, ये पी लिखा था ना देखो ये वाले पी प्लस पांच था ठीक है, यहां पे कितना था छह, छह में प्लस का जीरो, ये संख्या हमारे पास बन गई ठीक है। अब चलो ऐड कर लो, तो हम ऐड करते हैं नौ दो कितना होता है, नौ दो नौ दो ग्यारह, ग्यारह और सात अठारह, अठारह और पांच तेईस, तो हमारे यहां क्या हो गया तेईस प्लस की पी ठीक है, यहां पे कितना हो गया आठ पांच तेरह, तेरह और छह उन्नीस, उन्नीस और जीरो यहां पे उन्नीस आ गया ठीक है। अब हम तेईस में ऐसा क्या जोड़े जो उन्नीस घटाने पर या तो जीरो आए या तो जीरो आए या तो ग्यारह आए, तो बताओ तेईस में हम ऐसा क्या जोड़े जो उन्नीस आए या फिर वो उन्नीस, तेईस में ऐसा क्या जोड़े जो उन्नीस घटाने पर या तो जीरो आए तो ग्यारह आए, तो बताओ भैया क्या जोड़ेंगे तेईस में। मान लो तेईस में हमने कितने जोड़ दिया, कितने जोड़ दिया पांच, तेईस में सात जोड़ दिया, तो यहाँ पे तीस, तीस में से अगर उन्नीस घटाओगे तो ग्यारह आएगा, पांच जोड़ पांच करके सात जोड़ दो, अगर तेईस प्लस सात जोड़ दो कितने हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी तेईस पेन चेंज कर लो, देखो तेईस में से मान लो हमने तेईस में मान लो तेईस प्लस सात जोड़ दिया बराबर कितने हो गए तीस, अगर तीस में से उन्नीस घटाते तो कितने आएंगे हमारे ग्यारह आ जाएंगे, ग्यारह आ जाएंगे, तो हमारा पी का मान पी, पी की जगह पर हमने क्या रखा सात रखा, यहाँ पे अगर हम सात रखते तो हमारा उन्नीस घटाने पर सात रखते तीस हो जाता, उन्नीस घटाने पर ग्यारह आ जाता, ग्यारह में अगर रूल ग्यारह की क्या कह रहा है या तो घटाने पर जीरो या ग्यारह, चलो हमने सात रख दिया, तो पूछा क्या पी की जगह पे सात रखा, तो सात का स्क्वायर प्लस के पांच, तो कितना हो सात सत्ते उनचास और प्लस पांच कितना हो गया हमारे पास तिरपन, देखो किसी ऑप्शन में तिरपन है वो तिरपन क्यों चौवन सॉरी उनचास प्लस पांच कितना हो गया हमारे पास चौवन, तुम्हारा आ गया चौवन, देखो चौवन इस ऑप्शन में है ठीक है। तो ये तरीका समझ में आया, स्क्रीन शॉट ले लो। अगर हमें क्या करना था, अगर हम ऑप्शन से देते तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर पांच घटा दो, जल्दी से बताओ इनमें से समय से पांच घटा दो, पांच जोड़ रहे थे ना स्क्वायर किसी के स्क्वायर में, अगर इसमें से पांच घटा देते तो कितना बचता तैतालीस, ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे देखो पांच घटा दे तो चालीस किसी का स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे अगर पांच घटा देते उनचास, उनचास किसी का स्क्वायर है बिल्कुल है, यहाँ पे पांच घटा देते पैंतालीस किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये भी नहीं था ये भी नहीं था, तो था कौन सा उनचास, तब भी हमारा आंसर ये आ जाता है, उनचास में पांच जोड़ो चौवन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, समझाने का तरीका ठीक है, चलो आगे चलो। यहाँ पूछा है यदि तिहत्तर आठ ए सिक्स ए ग्यारह से भाज है तो ए का मान पूछा है, जल्दी से बताओ ए का मान, आपको बताना ए का मान, तो देखो ए की जगह पे हम क्या रखें ठीक है ये पूछा है, चलो देखो तो ग्यारह का मान क्या कह रहा है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं वही वाला अपना रूल सात आठ छ ठीक है, उसके बाद यहां तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद देखो दूसरा नियम दूसरी तरफ क्या करना है तीन ए और ए डबल ए हो गया यहाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख लो सात प्लस का आठ प्लस का छ, नीचे क्या आएगा तीन प्लस का ए प्लस का ए, ये आ गया, तो हमारे पास कितना हो गया आठ सात कितना हो गया पंद्रह, पंद्रह और छः कितना हो गया इक्कीस, इक्कीस में से यहाँ पे कितना हो गया तीन प्लस के कितने एक और एक टू ए हो गया टू ए ठीक है, दो ए हो गई। अब चलो क्या ग्यारह से भाजे तो ए का मान, तो ए का मान बताओ क्या रखें, जल्दी से बताओ ए का मान क्या रखोगे, यहाँ पे ऑप्शन ले लो जल्दी से ले लो, तो तीन में देखो ए का मान अगर हमने तीन रखा तो तीन दूनी छह हो जाएगा ठीक है, तो छह तीन नौ हो जाएगा, और इक्कीस में से नौ घटाओ, इक्कीस में से नौ घटाओ तो भैया कितना ज्यादा आएगा, इक्कीस में से कितना यहाँ पे चार रखो चार दूनी आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह घटाओगे तो कितना दस आएगा, तो ए का मान नौ रखो नौ दूनी अठारह, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस देखो छह ऑप्शन में है बारह तीन पंद्रह नहीं होगा, तीन ऑप्शन में तीन दूनी छह, छह तीन नौ, नौ घटाएगो नहीं होगा, चार दूनी आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह घटाओगे नौ, तो नौ रखे देखो ए का मान नौ रखे देखो, तो नौ दूनी अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, देखो देखो अगर ए का मान यहाँ पे कितना रखो, ए का मान तीन, ए का मान देखो तीन प्लस टू ए है, अगर ए का मान हमने कितना रखे देखा यहाँ पे छः रखे देखो, जब छः का रखा तो गुणे में छः हो जाएगा ना, ए टू ए है ना छः, तो यहाँ पे भी छः रखोगे ना छः और छः तो बारह हो जाएगा, और बारह तीन पंद्रह, छः दूनी बारह तीन पंद्रह, पंद्रह घटाओगे तो यहाँ पे ज्यादा बचेगा,
कितना 6 ही बच रहा है तो नहीं कटेगा, या तो 0 है या तो 11 है। तो जब हमने a का मान, जब हमने a का मान क्या रखा, जब हमने a का मान क्या रखा, जल्दी से बताओ, जब हमने a का मान रखा 9, तो 9 रखो, तो यहाँ पे भी हमें 9 रखना होगा क्योंकि डबल a है, यहाँ पे भी 9 रखो, यहाँ पे भी 9 रखो, तो 9 दूनी 18, 18 3 21, ऊपर कितना है हमारा, जल्दी से बताओ ऊपर हमारा कितना है, ऊपर हमारा कितना है, यहाँ पे a का मान जब हमने 9 रखा तो दोनों जगह रखोगे 9 9 18 और 3 21, अब 21 में से 21 जाएगा 0 ही बचेगा, तो मतलब 11 से कटेगा, ठीक है। मान लो आप कह रहे हैं कि मैंने 9 नहीं माना, मैंने 3 मान लिया, तो यहाँ पे 3 रख लो, क्या दिक्कत है, डबल ए है ना यहाँ पे, सॉरी प्लस ए प्लस ए, यहाँ पे 3 रखोगे, 3 और 3 और 3 3 6 3 दूगा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जब ये 9 हो जाएगा भाई साहब, जब ये 9 हो जाएगा तो 21 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, वो 13 बचेगा ना, 13 क्यों, 12, ठीक है 12 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं, या तो 0 बचे या तो फिर 11 बचे, ठीक है समझ गए। चलो और क्वेश्चन है क्या, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें जिसमें संख्या 40 ए प्लस 0 6 और 7 बी 11 से विभाज्य है, तो जल्दी से बताइए, देखो क्या है संख्या, क्या है हमारे पास संख्या, हमारे पास क्या है 4a 06 7b, क्या है 4a 06 7b, 11 से डिवाइड करना है 4a 06 7b 4a 06, तो क्या करना है, ठीक है इस तरीके से कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लिया, ठीक है चलो ऐड कर लो फटाफट, तो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 0 प्लस 7, नीचे क्या आ गया a प्लस के 6 प्लस के b, ठीक है तो बराबर कितना हो गया 7 4 11, ये तो 11 हो गया, यहाँ पे क्या 6 प्लस a प्लस b, चलो तो क्या है यहाँ पे क्या करना है, a प्लस b के सभी संभावित मानों का योग, ठीक है तो a प्लस b को हम अगर कितना मान लेते हैं, a प्लस b को हम कितना माने, 5 माने 16 माने 11 माने 21, तो 11 अगर हम मानते हैं 11 यहाँ पे 11, तो यहाँ पे कितना a प्लस b का मान मांगे ताकि यहाँ पे 11 हो जाए, a प्लस b का मान मानो, क्या मानो ताकि 11 हो जाए, तो 11 में से 11 या तो फिर 22 में से 11 घटाओ, या तो इनको घटाने पर माइनस करने में, या तो 11 या तो 0 है, ठीक है ऊपर वाली संख्या 11 है नीचे वाली 6 है, तो a प्लस b का मान पूछा, a प्लस b को अगर हम 5 मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस a प्लस b 5, तो यहाँ पे भी हमारा 11 हो जाएगा, जब हम 11 से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा, मतलब 11 से विभाज्य होगा, ठीक है अगर 16 का मान ले तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 में से मतलब क्या विभाज्य, मतलब सभी संभावित मानों माना का योग ज्ञात करें जिसमें अगर 16 मान लेते हैं a प्लस मान 16 16 6 22 हो जाता है, 22 में से अगर 11 बचा तो यार पूछा क्या है सभी संभावित 16 भी या तो पूछा होगा नहीं है, 21 को मान ले 21 और 6 इसमें 16 भी तो हो रहा है ना, तो दोनों हो सकते हैं ना 6 5 11 11 में से 0, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है 16 मान लो तो 16 6 22 हो जाता, 22 में से 11 गए तब भी 11 भी आएगा, ठीक है तो दोनों हो जाएगा, ठीक है चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है कोई, चलिए यही क्वेश्चन थे, ठीक है तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, ठीक है अगर कुछ समझ में आया तो जरूर बताना, ठीक है आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, मजा आया कि नहीं सच बताना, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बने रहना हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है तो चलता हूं दोस्त, जय हिंद जय भारत।